ओके okay, आज हमारे पास में चैप्टर नंबर 14 लेक इसले ऑफ इनिसफ्री, इसके क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो देखें, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो देख लेना। व्हाट डज द पोएट वांट टू डू, पोएट क्या करना चाहता है। आफ्टर गोइंग, जाने के बाद में, टू लेक इसले ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री एक जगह का, एक लेक का नाम है, उस लेक के पास में जाके पोएट क्या करना चाहता है। द पोएट After going to the lake Islay of Innisfree, Innisfree के पास में जाकर, the poet wants to build a small cabin there. Build मतलब बनाना चाहता है, एक छोटा सा केबिन वहाँ बनाना चाहता है रहने के लिए। He will also grow मतलब उगाना चाहता है, 9 bean rows मतलब 9 लकीरें मतलब 9 rows में बीन उगाना वो चाहता है। Near the cabin, he will have हिव फॉर हिज हनी बीज, और हनी बीज के लिए वो एक छत्ता लगाना चाहता है, इतनी चीज वो करना चाहता है। देन उसके बाद में, हाउ डज द पीस कम टू द पोएट इन द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री के अंदर पीस किस प्रकार से आएगी पोएट के लिए। इन द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री, पीट कम पीस मतलब शांति, कम्स डिसेंडिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के समय आएगी, धीरे धीरे आएगी। सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट, जब क्रिकेट गाना गाएंगे तो वो भी एक तरह की उसके लिए शांति रहेगी, सुनना चाहता है वो इसकी आवाज। मिडनाइट के अंदर ग्लिमर, एक तरह का पर्पल ग्लो ऑफ नून, नून के समय पर्पल ग्लो का बता रखा है, ग्लो मतलब चमकना होता है, पर्पल कलर का हो जाएगा नून का समय। एंड द सॉन्ग ऑफ लिनेट, और शाम के समय जो पक्षियों के पंख वगैरह की आवाज़ हैं या पक्षियों की आवाज़ हैं वो सुनना चाहता है। तो पूरे फुल टाइम का यहाँ पर उसने वो दे रखा है। अगला है, व्हाट इम्प्रेशन डू द वेराइंग टाइम ऑफ द डे, दिन के समय का अलग अलग जो टाइम रहता है, दिन का जो अलग अलग टाइम रहता है, वो क्या इम्प्रेशन छोड़ के जाता है। लीव मतलब छोड़ता है, ऑन द पॉइंट माइंड, पॉइंट के माइंड के ऊपर क्या इम्प्रेशन छोड़ता है। इन द लेक इल्से ऑफ इनिसफ्री, जब वो लेक इल्से ऑफ इनिसफ्री पहुंच जाएगा तो, द वेराइंग टाइम्स ऑफ द डे इन लेक इल्से ऑफ इनिसफ्री लीव अ पीसफुल, अब ये आंसर दे रहा था मेन, पीसफुल इम्प्रेशन क्या होता है, पॉइंट के ऊपर छोड़ता है, पॉइंट के दिमाग के ऊपर रहता है, मतलब पीसफुल मतलब वहां पर उसे सुकून मिलता है। ही डिस्टर्ब्ड माइंड गेट्स, उसका जो अभी डिस्टर्ब्ड माइंड है, जहाँ पर वो रोजाना रोजमर्रा के जीवनों के अंदर अपने काम वगैरह में लगा है और वहाँ बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, गेट्स सम पीस ड्यूरिंग दिस टाइम्स, तो इस समय उसे वहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ पीस मिलेगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड द शोर इन द लेक इल्से ऑफ इनिसफ्री, किस प्रकार से पानी की आवाज उसे सुनाई देती है झील की। When the poet stand on the roadway, जब poet road के ऊपर खड़ा रहता है, या grey color के pavement, मैंने बताया था फर्श होता है उसके ऊपर खड़ा रहता है, तो he hears lake water, तो उसे lake water की याद आ जाती है, ठीक है ना, आवाज़ सुनाई देती है। लैपिंग एंड फ्लैशिंग विद द स्वीट लो म्यूजिक बाय द शोर, समुद्र नहीं झील के किनारे पर जो पानी क्या होता है उसके शोर मतलब किनारे से टकराता है, तो वैसी आवाज़ उसे क्या होती है, अपने आप सुनाई देती है, सोचता रहता है उस वाटर के बारे में, जब वो वाटर किनारे से आके क्या होता है, टकराता है वो झील का, इनिसफ्री झील का पानी किनारे से आके टकराता है, उसके बारे में वो क्या करता रहता है, सोचता रहता है जब वो खड़ा रहता है रोडवेज के ऊपर, पेवमेंट के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द लाइन्स इन ईच ऑफ द 3 क्वार्टियंस ऑफ द पोएम्स रेम, मतलब रेमिंग वर्ड लिखना है यहाँ पर, आखिरी आखिरी वाले वर्ड जो एक जैसे मिलते हो। इन द फर्स्ट क्वार्टियन इनिसफ्री रेम्स विथ हनी बीज, मतलब पहले क्वार्टियन के अंदर जो लाइन हनी बीज के साथ में कौन है, इनिसफ्री के साथ में है हनी बी, एंड मेट के साथ में है ग्लेड। ये देखिए 4 लाइन हो गई, एक लाइन में ये रहेगा, एक में ये है, एक में ये है और एक में ये है, इसका पैटर्न वगैरह भी बताया था मैंने आप लोगों को। द सेकेंड क्वार्टियन, क्वार्टियन मतलब जिसमें 4 लाइन होती है, उसके अंदर एक स्लो है, स्लो के साथ में होगा ग्लो, आखिरी वर्ड एक जैसे होंगे, सिंग्स के साथ में होगा विंग्स, विंग्स है उसके साथ में। इन द थर्ड क्वार्टियन, और तीसरा जो स्टेंजा है, तीसरा क्वार्टियन है, उसके अंदर क्या है, डे के साथ में ग्रे है, ये 2 लाइन हो गई, और शोर के साथ में क्या है, कोर है। तो इस प्रकार ये रेमिंग पैटर्न इसका दे रखा है यहाँ पर। तो अगर हम इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करें, तो इसके अंदर से ऐसे तो बहुत कमी से एक्सटेंड पूछी जाती है, लेकिन अगर फिर भी पूछी जाए तो फर्स्ट आंसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड आंसर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकेंड, देन उसके बाद में ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर के डिटेल क्वेश्चन आंसर करना नहीं है, क्योंकि आते नहीं है, वही पूछा जाता है बार बार, बताते जब भी पोएम की बात होती है तो पोएम के अंदर से पोएम के जो राइटर है उनका पूछा जाएगा और पोएम का नाम पूछा जाएगा, देन साथ में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लॉन्ग वाले जो आंसर है ना, डिटेल वाले वो नहीं पूछे जाएंगे, तो वो करने ही नहीं है इन चैप्टर के अंदर जितने ही पोएम वाले चैप्टर हैं। तो आशा करता हूँ कि अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए धन्यवाद।